Welcome to Cocktails India and I am your host Dada Bartender. Friends, अक्सर आप whiskies पिया करते हैं और whiskey का glass usually ऐसा ही होता है या थोड़ा बहुत you know design के साथ आते हैं. But कभी आपने क्या notice किया है कि जब भी आप beer को पीने जाते हैं तभी आपको कभी इसी glass में, कभी इस glass में, कभी इस glass में, कभी इस glass में, कभी इस glass में और तो और कभी इस ग्लास में भी बियर को सर्व किया जाता है. ये इतने सारे वैरायटी ऑफ बियर ग्लासेस क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा है? आइए इस वीडियो से यही जानने का कोशिश करते हैं. फ्रेंड्स, क्या आप अल्कोहल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका एक सपनों का बार हो या एक डिस्टिलरी हो या एक माइक्रो ब्यूरी हो और उसका सेटअप देने के लिए आप एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप तुरंत 6 and 7 July को बेंगलुरु में आ जाइए, जहां पर आपको फ्री में वो सारे एडवाइस मिल जाएंगे जिसका आपको तलाश है. ये है ब्रू एंड स्पिरिट एक्सपो 2022. डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. वेलकम बैक फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे, डज द बियर ग्लास रियली मैटर्स? क्या सच में मैटर करता है बियर ग्लास? फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल बोलूंगा जी हाँ, ये मैटर करता है. ये आपको साइकोलॉजिकली और यू नो लॉजिकली इफेक्ट देता है. साथ साथ इसका जो मैकेनिज्म होता है, जो ग्लास का बनाने का जो मैकेनिज्म होता है, वो भी कुछ हद तक फर्क देता है. कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए मैंने आपको बियर ऐसे कुछ कप में पोर करके दिया और बोला कि पी जाओ, और आपको आप कप से बियर को पी रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है? आपको हर टाइम लगेंगे कि आप बियर नहीं चाय पी रहे हो, या कहीं ना कहीं बैक ऑफ योर माइंड आपको बताता रहेगा कि ये ना मजा नहीं आ रहा है. एट द सेम टाइम आपको लगेंगे कि ये टेस्ट भी ठीक ठाक नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने राइट ग्लास नहीं चुना है. और ये हरकत कौन करवा रहा है? आपका ब्रेन. बिकॉज आप यूज्ड टू हो चुके हैं ऐसा ही कुछ बियर ग्लास के साथ पीने के लिए बियर को, या ऐसा कुछ बियर ग्लास के साथ बियर को पीने के लिए, तो फिर आपका बैक ऑफ योर माइंड साइकोलॉजिकली और लॉजिकली बार बार प्रॉम्प्ट करेगा आप गलत कर रहे हो, और उसके कारण आपका जो बियर का टेस्ट है वो घटिया लगने लगेगा. बियर का टेस्ट आपको ठीक ठाक नहीं लगेगा. वन थिंग श्योर, द राइट बियर ग्लास इंप्रूव्स द फ्लेवर ऑफ द बियर एंड मेक्स इट अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस. तो फिर क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंट शेप्स ऑफ ग्लासेस है बियर का, ये कैसे हम लोगों का जो ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस है इसमें इफेक्ट डालता है, और ये डिफरेंट शेप ग्लासेस क्यों एक किस्म का ग्लास नहीं? चलिए इसका भी उत्तर जान ही लेते हैं. इट नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ बियर ग्लासेस कमिंग इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइज. मैटर ये है कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लास में कोई स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ बियर बेटर कंप्लीमेंट करता है, और मैं बोलूंगा आपको एक यूनिक ड्रिंकिंग और बियर ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस देता है. अगर मैं आपको थोड़ा सा और खुल के बताऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इंपीरियल ट्यूलिप ग्लासेस जो है ना, उसमें ही मैक्सिमम टाइम गिनिस को, मतलब गिनिस बियर को सर्व किया जाता है. इसके पीछे का कारण क्या है? सिंपल है, बियर का जो कैटेगरी है ये बेटर कंप्लीमेंट करता है उस पर्टिकुलर ग्लास में. कैसे? हम लोग गिनिस बियर को जानते हैं हेवी बियर बोलकर, मतलब ये काफी हेवी लगता है. इट स्लोली अलाउ अ सिल्की क्रीमी फोम टू रेज अप फ्रॉम बबल्स टू फॉर्म अ थिन हेड ऑन टॉप, और ग्लास का जो वाइड माउथ है गिनिस बियर को इनफ स्पेस देता है टू रिलीज इस वंडरफुल ट्रेडमार्क एरोमा लाइक डार्क एंड रोस्टेड माल्ट एंड चॉकलेट. तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों अलग अलग शेप का ग्लासेस. आइए और समझते हैं कि ये अलग अलग शेप कैसे कंप्लीमेंट करता है. इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात आपसे मैं शेयर करना चाहूंगा कि हर एक इंडिविजुअल ब्रूडी यूजुअली क्रिएट्स इट्स ओन बियर ग्लास डिजाइन टू देयर ओन एग्जैक्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर स्पेसिफिक ब्रूज. मतलब साफ है कि जो बियर आपने ऑर्डर किया है उस पर्टिकुलर बियर के लिए एक स्पेसिफिक ग्लास को डिजाइन किया गया है, सो दैट उसमें उस बियर को पोर करने के बाद जो बियर का कैरेक्टर है
उसको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए, उसका जो कलर है वो प्रॉपर तरीके से दिखे और उसमें जो इंटैक्ट एरोमास है वो प्रॉपर तरीके से आप एक्सपीरियंस कर पाए, इसलिए वो डिजाइन को इन्वेंट किया है। आप नोटिस करेंगे कि कल्सबर्ग बियर अपना जो ग्लास है उसमें एनग्रेव करके रखता है, पिल्सनर ग्लास में लिखता है कल्सबर्ग। अब गिनिस बियर को देखिएगा, उसमें भी एक स्पेसिफिक ग्लास में गिनिस लिखा हुआ है। और तो और आप अगर देखिएगा, बहुत सारा ब्रांड अपना जो ग्लास को मार्केट में छोड़ा है उसमें अपना ब्रांड का नाम लिख के रखा हुआ है, सो दैट आपको पता चले कि इसी पर्टिकुलर ग्लास में ये पर्टिकुलर ब्रांड का बियर को आपको पीना है। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि वाइजन ग्लास, ये जो है जर्मन ग्लास है और ये एक स्पेसिफिक डिजाइन के साथ आते हैं। इसका पीछे का सबसे बड़ा राज है कि इसमें व्हीट बियर को मैक्सिमम टाइम सर्व किया जाता है और ये अल्टीमेट है व्हीट बियर के लिए। ये जो थिन नाइस एंड टॉल ग्लास है, ये जब आप इसमें व्हीट बियर को पोर करेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके का कलर दिखेगा, व्हीट बियर का जो धुंधला कलर है वो दिखेगा। साथ में अगर पार्टिकल्स है, व्हीट बियर में जो पार्टिकल्स रहता है ना, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखेंगे। साथ साथ आप नोटिस करेंगे ये ग्लास जो है ऊपर की तरफ नैरो हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो बबल्स है वो इसका जो सिग्नेचर फ्लेवर है उसको पकड़ के रखता है काफ़ी देर तक। यूजुअली व्हीट बियर में आपको बनाना एंड क्लोव एरोमास मिलते हैं, वो आराम से पकड़ के रखता है और एक राइट अमाउंट ऑफ फ्रॉथ ऊपर में रहने के कारण काफ़ी देर तक इसका जो ओरिजिनल फ्लेवर्स है, बियर का जो ओरिजिनल फ्लेवर है काफ़ी देर तक बरकरार रखता है या होल्ड करके रख सकता है ये ग्लास, इसीलिए इस ग्लास को ऐसे डिजाइन किया गया है। बियर ग्लास बहुत तरीके का होता है, उनमें से एक बहुत पॉपुलर ग्लास है जिसको कहा जाता है पिल्सनर ग्लास। ये जो पिल्सनर ग्लास है ये अक्सर इसमें बियर को सर्व किया जाता है और इसके पीछे भी एक फैंटास्टिक रीजन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्लास में मोस्टली लेगर बियर को ही सर्व किए जाते हैं, जो लाइट होते हैं, बहुत क्लियर दिखते हैं, जैसे कि एग्जांपल की तरफ किंगफिशर है, कार्ल्सबर्ग है, टूबॉक है, बडवाइजर है, जो मोस्टली लेगर बियर है और क्लियर दिखते हैं। इस ग्लास का डिज़ाइन करने का एक ही मकसद है कि इसमें जब आप कोई लेगर बियर को पोर करेंगे तो वो बहुत क्लियर दिखती है, और तो और इसमें वो जो बबल्स है ना बियर का, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको दिखते हैं जो टैर के ऊपर तक आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर एक राइट अमाउंट फ्रॉथ रहता है और वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, एक सर्टेन टाइम तक रहता है और उसके बाद वो जो फ्रॉथ है वो एस्केप कर जाता है क्योंकि ऊपर थोड़ा सा खुला हुआ है नीचे की तरफ नैरो होने के कारण। और ये जो सर्टेन टाइम तक रहता है उस टाइम पे क्या होता है, वो जो ऊपर का जो फ्रॉथ है उसमें जो बबल्स है वो कंटिन्यू बस्ट होते रहता है और उसके साथ जो फैंटास्टिक एरोमा है बियर का कंटिन्यू आपके पास पहुंचते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आता हूं, वो है बियर मग। जी हाँ, ये ग्लास में क्यों बियर को सर्व करते हैं और किन बियर को सर्व किया जाता है बियर मग में? आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे बियर मग में यूजुअली ड्राफ्ट बियर को या क्राफ्ट बियर को सर्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्राफ्ट बियर जो होता है वो फ्रेश होता है, उसमें बहुत सारा एरोमा रहता है। आप जब पीने जाते हैं तो ये जो इसका जो माउथ है इतना बड़ा होने के कारण जब भी आप पीते हैं तो ये माउथ आपका नोज को प्रॉपर तरीके से कवर करता है और ड्राफ्ट बियर का जो फ्रॉथ है वो जो बास्ट होता है तो फैंटास्टिक एरोमा आपका नोज में डायरेक्ट आते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ये ग्लास इतना फ्री होने के कारण आप बहुत जल्दी इसको चक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लास में बियर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता है, ये बहुत जल्दी एस्केप कर जाता है, तो इसीलिए इसका माउथ काफ़ी वाइड दिया गया है सो दैट यू कैन ईजिली कंज्यूम दिस बियर फास्ट, मतलब बहुत क्विकली आप इसको कंज्यूम करने के लिए इतना बड़ा वाइड माउथ दिया गया है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि अलग अलग ग्लासेस क्यों इन्वेंट किया गया है, अलग अलग बियर को या अलग अलग कंपनी का जो बियर है उसको कंप्लीमेंट करने के लिए, उसका जो कैरेक्टर है उसको प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए अलग अलग डिजाइन का अलग अलग ग्लासेस। सो फाइनल कंक्लूजन, द बियर ग्लास मे बी आर स्मॉल थिंग्स बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू कैन एंजॉय योर बियर। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट राइट बियर विद द राइट ग्लास, आई मीन टू से जो टाइप ऑफ बियर है उसी के साथ
style of glasses. Thank you so much, friend. Thank you so much for watching this video. Milenge bahut jald ek interesting topic ke sath. Tab tak ke liye bye bye and take care. Please, friend, please drink responsibly and don't drink and drive. Jai Ho.